नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर की। कल 3 सीटों पर मतदान, पुलिस ने भवानीपुर के पूरे इलाके को किले में किया तब्दील। भवानीपुर में 200 मीटर के दायरे में 144 धारा रहेगी लागू। अर्धसैनिक बल की कुल 72 कंपनियां रहेंगी तैनात। आइए बाकी की जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप त्रिपाठी से। 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव कल यानी कि गुरुवार को 30 सितम्बर को होने वाला है। इसके लिए ठीक जो है आज शाम को जो है अचानक जो है आईजी बीएसएफ और आईजी जो सीआरपीएफ हैं वह पहुंचे हैं और जो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं आर्य जाप्ता उनके साथ बैठक जो है की जा रही है और अचानक जो है यहां पर 20 कंपनियों को जो है भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाने का निर्णय किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में जो कुल कंपनियाँ हैं वह बढ़ करके हो गई हैं 35 जो कि तैनात की जाएंगी जो है भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। जो उपचुनाव है 3 सीटों पर होने वाला है, भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर। चुनाव को जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ही अचानक यह जो है बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस घर में आराम से है तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हमने भाजपा को हराया है और लड़ाई जारी रखेंगे, बोले अभिषेक बैनर्जी। We have been saying it time and again and every time that our fight is not against the Congress or any political party, our fight is against the ideologies. We need to save India. And for that, it is essential to defeat the BJP. And Congress has been in the national opposition space from the last 7 years, as I have rightly explained in my public meetings, that the difference between Congress and Trinamool Congress is we have been consistently defeating the BJP over the last 7 years, and Congress is consistently being defeated by the BJP in the last 7 years. These are the two primary differences I would like to highlight in this press conference. अहिरी टोला में मकान ढहने की घटना पर निगम प्रशासक फिरहाद हकीम ने कहा कि हमने नियम भी बनाया है कि मकान मालिक और किरायेदार मिलकर मकान की मरम्मत करा सकते हैं। हम मकान पर खतरनाक का बोर्ड लगाते हैं जिसे हटा दिया जाता है। दुर्गा पूजा में 12 दिन शेष है। कुम्हार टोली में दिन रात एक कर मूर्तियों का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं मूर्तिकार, लेकिन बारिश डाल रही है खलल। आइए देखते हैं हमारी वरिष्ठ संवाददाता मधु सिंह की विस्तृत रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय दुर्गोत्सव में अब केवल 10 दिनों का समय शेष रह गया है। हालांकि यहां पे बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि बारिश 2 दिनों तक लगातार जारी रहेगी और आज बुधवार के दिन भी सुबह से रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है और इस कारण सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुम्हार टोली के मूर्तिकारों को, क्योंकि मूर्तियां बनाने के साथ ही उन्हें सुखाना भी पड़ता है और इस सुखाने में उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आग दिखाकर या फिर लाइट जलाकर कई तरह के तरीकों से मूर्तियों को सुखाने की कोशिश की जा रही है। मूर्तियों को बाहर रखा गया है, आप देख सकते हैं कैमरामैन दीपेन उपाध्याय के कैमरे से कि किस तरह से मूर्ति को बाहर रख करके ढका गया है ताकि वो बारिश से बची रह सके। भवानीपुर चुनाव खत्म होते ही जरूर चढ़ेगा पूजा का रंग। अगले हफ्ते ही क्लबों को मिलेंगे सरकार से मिलने वाला आर्थिक सहयोग। पूरे क्षेत्र में करीब 90 पूजा कमेटियां मनाती हैं पूजा। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। हावड़ा व हुगली में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया ज्यूतिया का व्रत। ज्यूतिया व्रत हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसे चिविता पुत्र का व्रत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उनके बच्चों का काल भी कुछ नहीं कर पाता। इसे लेकर बुधवार को महिलाओं में उत्साह देखा गया। पूरे दिन हिंदी भाषी महिलाओं ने उपवास रखा और जिमूत वाहन की पूजा कर पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना की। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत करने का विधान है। यह व्रत सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक चलता है। सॉल्ट लेक में ऑनलाइन संस्था के अधिकारी बनकर पूर्व आईएएस पीके वर्मा को 40,000 रुपए का चूना लगा दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रीजन पार्क और गोल्फ ग्रीन इलाके से 5 युवकों को किया गिरफ्तार। लास्ट ईयर दिसंबर महीने में एक केस हुआ था यहाँ साइबर क्राइम पीएस में कि एक आदमी को वयस्क आदमी के फोन करके
कि हम अमेजोन के एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं और आपके अकाउंट में से कुछ करने के लिए इस हिसाब से उनसे 40,000 टका उनके अकाउंट से विड्रॉ किया था। तो उस केस का तदंत करते हमें जिस उनके बैंक डिटेल्स और फोन डिटेल्स से कलेक्ट करने के बाद पता चला कि जो गैंग वो ऑपरेट कर रहा था उसका हम फिक्सअप किए और उसके बाद कल रात कोलकाता में रेड करके उसने 5 लोगों का अरेस्ट किया। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, अमित शाह अमरिंदर की मुलाकात खत्म, 45 मिनट चली बैठक। राज्यसभा के रास्ते मोदी सरकार में कृषि मंत्री बन सकते हैं। बिकनी पहन रुबीना दिलैक ने की समंदर किनारे मस्ती, फोटो से मचाई खलबली। कल का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गरज के साथ बौछार होने की संभावना है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।